42 डिग्री टेम्परेचर की इस गर्मी में राहत दिलाने एमपी के इस शहर में कृत्रिम बारिश की जा रही है। लिहाजा इस कृत्रिम बारिश को देख तिराहे और चौराहे पे खड़े लोग राहत महसूस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अपने वाहन से उतरकर नहा भी रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पहले नगर निगम जबलपुर की, जहां लोगों को राहत दिलाने एक अनोखा प्रयास किया जा रहा है। जहां शहर के प्रमुख तिराहों और चौराहों पर कृत्रिम बारिश की जा रही है, मतलब डिफॉगर मशीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी मदद से लोगों को कहीं ना कहीं चिलचिलाती धूप से राहत मिल रही है। टेम्परेचर जो जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो लोगों को इस धूप में अक्सर देखने मिलेगा चक्कर आ जा रहे हैं धूप के कारण, और इतना ज्यादा होने कहीं भी रुकने का छाया का प्रबंध नहीं होने के कारण ये बहुत अच्छा स्टेप उठाया है नगर निगम वालों ने, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही जो यहाँ से गुजरेगा उसको एक राहत का यानी एहसास होगा और एक एनर्जी मिलेगी गर्मी से। कुछ लोग तो यहाँ देख रहा हूँ कि खुद रुक जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए भीग रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक एक्साइटमेंट भी है और यानी काफी पॉजिटिव स्टेप है। मैं प्रशंसा करूंगा नगर निगम वालों का जिसने भी इसको इनिशिएट किया है, इसके लिए तो थैंकफुल हूँ मैं उसके लिए सभी की तरफ से। आप कहाँ जा रहे थे, आपकी बारिश में भीगे आ रहे हैं? मैं अपनी गाड़ी साइड में लगा करके इसका एंजॉय करने आया है। एक्चुअली काफी पानी भी मिल रहा है इसमें और राहत मिल रही है, देख रहा हूँ भूख गया मैं, लेकिन बहुत एंजॉय किया। मैं कहीं जल्दी नहीं था लेकिन ये देखते मुझे रुकने पर मजबूर हो गया और काफी लोग रुक रहे हैं, आप देख रहे होंगे गाड़ी वाले ऑटो वाले यहाँ से टर्न लगा के जा रहे हैं कि सवारी को भी थोड़ा सा बौछार रहा है तो राहत मिले। ये काफी अच्छा था यानी, और ऐसे होने चाहिए प्रयास कभी को नगर निगम से यानी गर्मियों के मौसम में या अदर वेदर में भी यानी सोचना चाहिए, बहुत अच्छा है। मेरा नाम सिराज हुसैन है। बहरहाल नगर निगम के इस प्रयास की पूरे शहर में तारीफ की जा रही है, वहीं लोग रुक रुक कर इस फुहारे का आनंद भी उठा रहे हैं। लोकल 18 के लिए आकाश निषाद जबलपुर।